ये तो एक ग्रह पे गए हैं, मंगल ग्रह पे। तीन लोक 14 भवन, ये भी एक लोक होते हैं, सात ऊपर सात नीचे। एक जगह कह भी रखा दादा ने, ओम भूर भवे सवय महर लोक तक दिन गिन न्यारे न्यारे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तक सब कलब भूल जा सारे, जन तब सत लोकों के अंदर रहे जीव ब्रह्म के प्यारे, लक्ष्मी चंद चसे ज्ञान का दीपक जहां रवि शशि न तारे। भवर लोक महर लोक सत लोक जन लोक तप लोक सत लोक सबसे ऊपर जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, अतुल वितुल सतलातल सबसे नीचे महातल पाताल, सबसे नीचे पाताल लोक है जहां शेष नाग का वास है। एक तो एक ग्रह पर गए हैं, यहां तक पकड़ थी रावण की, कितना शक्तिशाली था वो। नवला बावली के भरा के दी गया तने सारी सृष्टि पे रावण रावण हो रही है, कालजा पट है सब क्या आएगा, तू नो गए लंका जलगी, सपना को झूठा आ गया तने क्या कहा। आसान सौदा नहीं था लोगो, एक कहावत है ना घर का बेटी लंका डाए, काल भी रावण के बस में था, मौत का भी शिवजी से वरदान मिला हुआ था, श्री राम के भी नहीं जचे थी, यो के सौदा हो गया क्यों कर मर गया यो। और जब लक्ष्मण लेकर रावण के पास गया था, जब दादा बोले के होया जच्ची को ने बात, के कारण था के तू युद्ध हार गया, नवला कोई कारण नहीं बोला ना दादा बता दे, नवला कारण यो था भाई तेरी गेल यो तेरा भाई था, मेरी गेल मेरा भाई नहीं था, ना तो काल भी उल्टा लटका रखा था, क्या कहा। अर बीत बहतर गई चौकड़ी, बहतर गई चौकड़ी, मन राज करया से डटके, मेरे हुक्म की करे पालना, जाता ना कोई अटके, बे माता रही पीस पीसना, पवन बवारी सटके,
हर छड़का करने लाग रहा काल कुए में लटके अंदर छड़का करने लाग रहा काल कुए में लटके अरे नजर को मार के देख बावली ओ किस गफलत में सोरी साथी शमशेर मतलब डासी 100 रुपया और इनाम के देते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद दूसरी कली में के का योत्रा कहते हैं मामूली सी गूंज सी बने हम आसामी हो अक्का कान नंबर यो लियो हेलो हेलो मंदोदरी कहने लगी महाराज इस तरह की बात कर रहे क्या पृथ्वी पे क्या सृष्टि पे और कोई राजा है कौन है न बोले और भी है महारानी सब तलवे चाटे हैं मेरे क्या कहा एक बात में बर्था ज्ञानपुरा से एक सरपंच साहब काफी पैसे पहले दया गोंसी आओ 100 रुपया और बड़ा बड़ा धन्यवाद क्या कहा ये रघुवीर चहल साहब जिनकी मेहरबानी से आपके दर्शन हुए 1000 रुपये पहले और 100 रुपये और 500 रुपये और 1000 रुपये पहले और चैल साहब 500 रुपये और इनाम के देते बड़ा बड़ा धन्यवाद और सुंदर प्रेमी इन्होंने भी काफी इनाम दिया 100 रुपये और इनाम के देते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद बावड़ी सब के में राजा ने छोड़ तो केक के मेरी मुट्ठी में है क्या कहा अर जीतने राजा मोर मुकट से जीतने राजा मोर मुकट से मेरे सब तलवे चाटे से 33 करोड़ी देवता सारे बड़े बाण बाटे से शेष नाग पाताल लोक में गण गण दिन काटे से ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों मन बड़ा छाटे से ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों मन बड़ा छाटे से कोई सामी ना बोलनिया रे 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 बोल कोई सामी ना बोलनिया क्यों मेरे था धूक बोलो
पानी वाले काफी पैसे पहले 50 रुपये और बढ़ा देने वाले। ये देशराज पार्टी की तरफ से 500 रुपये। हाँ ताजी ना भाई, पार्टी पैसा ही और तो बढ़िया है। एक वह दिल्ली मरानी खेड़ा गांव है, नए प्रोग्राम लाग रेकरण एक थोड़ा आगर पन पन से नोट बगाव है, दारू पी रहा छक्के और वो पड़ गया नशे में और पल्ले ना ही राग निगाहो जी दैया साहब, उसका भाई आ गया विकेट निकाल ले गया गोज में, पहले ने देखा रुपया नदियों ले गया, ने बोला भाई एक गिट्टी ने काट ले गया कहा मेरा भाई है, और बोले जो भाई ने भी ले जाए डेड बॉडी काम किया करा रुपया तो काट ले गया। ₹500 इनाम के दिए, बड़ा धन्यवाद। तीसरी में के कहा महाराज या फौज अड़ रही लंका के चारों तरफ, नवला सुन ले थे महारानी एक बात बताता हूं, राजा जनक ने अपनी जानकी का सीता का सौंबर रचा, वहां सब राजा बुलवाए थे और उस सौंबर में शरत थी शिवजी का धनुष तोड़ना, मैं भी उड़ गया था। एक घटना हुई जब मैंने कदम बढ़ाकर धनुष का हाथ लाया तो बिचल पट्टे तीन लोग थर थर लागे कंपने, मैंने अंतर ध्यान किया तो उसमें पाया कि वाल्मीकि ने कहीं भी यह नहीं लिख रखा कि इस धनुष को रावण तोड़ेगा, मने सोची जग प्रोलो हो जागीर में पाछे नट गया। वहां से एक कहानी बिगड़ गई, मैं पाछे नट गया, ना तो मैं उन तक डरू नहीं था, मुझे शिवजी से वरदान मिला हुआ है मौत का, दो बालक भी आ रहे थे वे राम और लक्ष्मण, ईशे ईशे तो मैंने बहुत देखे है ना, और क्या कहा। अर जनक भूप ने रचा स्वंबर, जनक भूप ने रचा स्वंबर, सब राजा बुलवाए मैं भी वहां पे पहुंच गया, उड़े राम लखन तो पाए उन बालका की के कृति, मन बड़े बड़े हड़काए जब लाया मन हाथ धनुष के तीन लोग थर्राए, जब लाया मन हाथ धनुष के तीन लोग और या दुनिया क्यों रोई।
जी के गुरु जी 200 रुपए गुरु जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये गुरु जी विचारनाथ जी की तरफ से 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। और ये पंजाब से विजयनाथ जी के चेले महाराज जी गुरु जी 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। और शीला चहल 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई गुप्तान 100 रुपये पहले भी दे गया था भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम निवास भाई 100 रुपये और ये रुपया की बरसात करी भाई राम निवास ने, बड़ा बड़ा धन्यवाद। इनकी भी फरमाइश है एक, वह भी पूरी करांगे, बड़ा बड़ा धन्यवाद। महाराज काला हो जब आदमी अटपटी सी भी बात कर दिया करे, बोला सुन ले महारानी कहानी क्या थी। वो धनुष मेरे से नहीं टूटा और वो श्री राम ने तोड़ दिया, वह माला उसका गल गई, मेरी इज्जत खात में मिल गई। और मैंने जब सीता को पहली बार देखा, मैंने उससे सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, मेरा मन डिग गया। मैंने उसी टाइम प्रण कर लिया था कि जिंदा रहा तो सीता को एक दिन लंका जरूर दिखाऊंगा। और लोगों मर्द भी था, ये जो राम सेतु कहते हैं यो नल और नील ने बनाया था। दो बांदर थे पिछले जन्म में ऋषि के आश्रम में रहा करते और ऋषि समुद्र के किनारे भक्ति करा करते, और वह बालक थे नल और नील, वह समुद्र में ईंट बगा दे पत्थर बगा दे और ऋषि के छींटे लग गए। ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी बगाई होई कोई भी चीज पानी में नहीं डूबेगी। और वो अगले जन्म में बंदर बन गए। उन दोनों को वो पत्थर पकड़ाए गई पूरी सेना, वो पानी पर धरते गए। ये इतना लंबा पुल लंका का नल और नील ने बनाया था। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं और आज भी ये जो जकरचार ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा का वेद शास्त्र ये कहते हैं कि इस यज्ञ में वीर मर्द दोनों जिंदा हैं तो वहां साक्षात होने चाहिए, नहीं तो सामर्थ्य नहीं माना जाएगा। महाराज बूढ़ा का याद होगी, कोई काम पूरा हो ले, जैसे आप घर बना करते छात दे दिया करते, जब शिरणी बांटते कोई शक्कर बांट दे कोई पताशे बांट दे, बेचाले में नहीं। पूर्ण हो लिया तो वहां एक ब्राह्मण की जरूरत थी, आसपास कोई ब्राह्मण नहीं था। जामवती इनके पुरोहित थे श्री राम हर के, ये लंका जाकर रावण को बुला के लाए थे, अकपंड जी हवन कर दो। और लोगों लेख बताता है रावण सीता को गैल लेकर आया था, क्योंकि दोनों मियां बीबी जिंदा हैं तो प्राण प्रतिष्ठा सामर्थ्य नहीं मानी जाएगी। जब मत एक शर्त मर्द नहीं होता था हिम्मत नहीं पड़े, इन फौज के बेचारे दोनों भाइया बेचारा हवन कर गया।
उन भाइयों ने भी हाथ नहीं गाल्या, भाई युद्ध से लेंगे सीता ने, तो मर्द तो था। और दूसरी बात, रावण त्रितरीन भी नहीं था लोगो, कदे किसे कह सको। लोग क्या सोचते हैं जो टेलीविजन पर दिखा दी वाय रामायण है वाय महाभारत, ऐसा नहीं है। 15-20 रामायण है, 15-20 महाभारत है। भिन्नता बताऊं कैसे है, थारे मत किसी ने चंद्रपादी का सांग देखा है? देखा है राजा हरिश्चंद्र का जो सांग था कालिया भंगी को, तो चंद्रपादी चंद्रपादी राजा हरिश्चंद्र को तो कालिया भंगी के देखा करता, और रोहतास ने रानी मदनावत ने गण का वेश्या के देखा करता, और दादा लक्ष्मीचंद ने यो कथा बनाई उसने भी राजा हरिश्चंद्र को कालिया भंगी के दिखाया, लेकिन मदनावत रोहतास को रामलाल ब्राह्मण के दिखाया। ये भिन्नता होती है। जैसे बीआर चोपड़ा ने महाभारत में जब अर्जुन ने वह मछली की आंख बांधी, जब कुंती को वहां नहीं दिखाया, और महाभारत का लेख बताता है दादा ने गा रखा है कुंती वहीं थी, जब वो चल्या वहां से धनुष बाण ठाके राजा द्रौपदी चिल्लाता है, उसने सोचा अग भाई हम क्षत्रिय ब्राह्मण है, ब्राह्मण के भेष में बैठे थे पांचों पांडव, वो अज्ञातवास था, जब वो काम मछली किसी से नहीं बिंदी गई, मछली की छाया तले देख के कढ़ाई में जब तीर मारना था ये काम नहीं होया, जब राजा द्रौपदी ने कही रे कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरी बेटी कवारी बैठी रहेगी, जब अर्जुन चल लिया तो कर्ण ने हाथ पकड़ लिया, डट भाई पंडित जी छत्री मरे नहीं है, मैं करूंगा इस काम को, और कृष्ण ने बेरा था अग इस काम ने करेगा, ने बोला रो गैलड़ है तेरे माँ बाप का भी नहीं पता कहां से आ गया तू, ने बोला गैलड़ क्यों करो, मेरी माँ बैठी मेरे सामने, उस पंचायत में ये फैसला हुआ अग भाई जब कुंती नो कह दे अग यो मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। यहां दादा ने के कह रखे जो कुंती से बुझी, जब नाट गई नाट मुड़ी को न्या, पंड राजा के 6 पुत्र थे कर्ण पाट गया न्यारा, कैर वो में रहन लाग गया करके भाईचारा, राजा द्रौपदी ने रचा सोमवर देश जुड़िया था सारा, उड़े बेटा कहन तक कुंती नाटी नहीं रह गया कर्ण कवारा। और इस भाई ने एक रागनी गाई थी, किसी ने पूरी रामायण देखी हो, बीच में आके रामानंद सागर हाथ जोड़ के माफी मांगे है, अगर मैं माफी चाहता हूं, रामायण लंबी होने के कारण कई कारणों से और भी कारण थे मैं सीन को दिखा नहीं सका, और वो दादा लक्ष्मीचंद ने गा रखे है जो छोरे अनुराग ने गाए थे। रामायण में लंका के युद्ध में रावण का बेटा था मेघनाथ, वो मारा जाता है और उसकी पतिव्रता सलोचना उसको पता चला तो अर्थ जड़वा के और युद्ध के मैदान में जाती है, श्री राम ने वह हाथ जोड़ के पुचकारी, दादा गलत कह गया भाई, हाथ भी जोड़ लिया और पुचकार भी दी, दादा गलत नहीं कह गया, हाथ इसलिए जोड़े थे वो पतिव्रता और थी पतिव्रता का दर्जा ऊंचा होता है, इसलिए हाथ जोड़ के कहा आओ देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, और पुचकारी नो थी उससे छोटी थी, आजा बेटी लड़ाई के मैदान में क्या मांगने आई है, बोलते ना सबके मन लगा, रावण के बेटे की बौढ़िया नार सलोचना प्यारी, पता पति की भुजा कटपड़ी महल में रोई दे किलकारी,
अर्थ जुड़ा के गई रणा में जीत सेना जुड़ रही सारी वापति वर्ता श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी। फिर उसका कटा हुआ शेर उसकी हंसी छूटती है कि पतिव्रता धर्म में इतनी ताकत होती है। पतिव्रता के सत के कारण हंसी छूटी कटे शेर ने। एक रागनी है इसके बाद गा भी दूंगा। लीलो चमन से घने दिन में मिलती है और अपना दुख रोती है। जब चमन एक रागनी गाता है सुनी भी होगी बहुत आदमियों ने। वीर मर्द के पट्टे जोड़े जो करके देर मिले थे ल्यात्र याद दवा दूंगा जो हटके फिर मिले थे। उसमें एक लाइन है लोगो सीताराम से कितने दिन न्यारी रही थी 14 महीने 10 दिन पाछे हुए फूल बखेर मिले थे ल्यात्र याद दवा दूंगा जो हटके फिर मिले थे। जब युद्ध में सीता को जीत के लाए तो लोगों उसकी अग्नि परीक्षा ली गई अकियान्यू की न्यू सती सैक नहीं से वह 100 की 100 सती पाई लोगों 14 महीने 10 दिन रावण के पास रही। जब रावण की नींद खराब होती हो तो इतना शक्तिशाली राजा 2-4 महीने का तो बालक पाओ गोदी में। लेकिन न्यू की न्यू पाई थी उन्होंने बोला मैंने ये कह दी थी वहीं पे कि इसको लंका जरूर दिखाऊंगा। नो सीता ठाई थी महारानी क्या कहा और जब ते देखा रूप सिया का जब ते देखा रूप सिया का हर कोन्या खून गात में बड़ी सभा में चक्कर लागी लेके थाल हाथ में शव का धनुष नहीं टूटा न्यू पड़ी क्या फर्क बात में राम कमाला गलगी मेरी इज्जत मिली खात में राम कमाला गलगी मेरी लक्ष्मी चंदे लंकपति ने कह लक्ष्मी चंदे लंकपति ने नो बढ़ते सिया चोरी माता जी ने